हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ संडे रूटीन। तो हर सब चीज़ तो सेम ही होता है, जो सुबह का काम वगैरह होता है। अभी तो मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो गई हूँ और अभी लंच बनाऊंगी मैं। और आज धूप है, बहुत गर्मी है, तो दिखाती हूँ क्या क्या बनाऊँगी। और वही आज बिना लहसुन और प्याज, मतलब लहसुन प्याज के बिना ही खाना बनेगा। कल फास्टिंग होता है ना मेरा, कल मंडे है, सावन का चौथा सोमवार ना। तो अभी बाज़ार से कुछ सब्जी वगैरह लेकर आ गए हैं ये, और कुछ ग्रोसरीज वगैरह नहीं था वो सब भी लेकर आ गए। तो वो सब अब मैं बॉटल में फिल करूँगी, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। और आज आप सबके साथ मैं अपना फ्लावर गार्डन टूर कराने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ मेरा फ्लावर गार्डन कैसा है, दिखाऊंगी। तो ये है सब्जी, ये है झीका, इसको झीका कहते हैं यहाँ, और हम लोग के यहाँ इसको कहते हैं भोल। और ये क्या क्या है मुझे नहीं पता, इसका नाम क्या है, इसको आपके वहाँ पे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बताइएगा कमेंट में। ये सब है रिफाइंड ऑयल है, ये है तेज पत्ता, पता नहीं क्या क्या है। इस बार आ गया बाजार से सारा सामान, अब ये सब मुझे बोतल में डालना है। तो मैं बाहर रख के आती हूँ, तो सब फील कर लिया है, अब बनाऊंगी खाना। यह मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, आलू को उबालने के लिए रख दिया है और अब मैं सब्जी काट लूंगी, वही झीका। खाना बनाते बनाते भूख लगी, खाना बना नहीं है। बचपन में बहुत पिया करते थे हम लोग ये लीची पानी, लीची जूस। अभी तो डब्बा भी छोटा हो गया, पहले बड़ा डब्बा था 10 रुपया में। क्या हो गया, खाना ये चावल और यहाँ है सब्जी। अभी थोड़ा सा साफ वगैरह कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ मैं खाना खा रही थी, बहुत जोर से भूख लगा हुआ था सच में, क्योंकि सुबह मैं कुछ खाई नहीं थी, बस चाय पी थी। हे गाइस, तो खाना वाना सब खा लिया और
काम भी मतलब खाना खाने के बाद बर्तन भी धो ही लिया था, उसके बाद मैं सो गई थी, तो अभी उठी हूँ। तो अभी दिखाऊंगी आप लोगों को मैं अपना गार्डन, क्योंकि दिन को ना बहुत धूप था तो इसलिए नहीं दिखा पाई। ये है मेरा फ्लावर गार्डन जो पूरा जंगल से भरा हुआ है, और फूल वगैरह भी पहले बहुत ज़्यादा था तो अभी तो है नहीं, इधर सब खाली है। तो बस यही सब है, बारिश हो रही, कभी धूप हो रही, जिस वजह से मैं साफ़ भी नहीं कर पा रही। और ये रोज़ पहले कितना अच्छा था, अभी तो पता नहीं क्या हो गया, खिला भी था पर बारिश के कारण पानी पूरा जम जाता है यहाँ पे। तो यही है, ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया। ये एकदम से ना झूल गया था नीचे, तो इसको बांध दी हूँ मैं अभी। और ये है, पता नहीं पहले इतना बड़ा बड़ा खिल रहा था, अभी क्या हो गया, इतना छोटा छोटा खिला है। मारी गोल्ड वहाँ पे भी है एक, और ये तो बस सुबह सुबह ही खिलता है। और ये मेरा तुलसी का पेड़, और इसका नाम तो नहीं पता, पर ये भी ब्रिंजल कलर का खिलता है, बहुत प्यारा सा। अभी भी धूप बहुत है। ये भी जैस्मिन का ही पेड़ है, पर अभी तक एक बार भी फूल खिला ही नहीं है, बारे में तो पता ही है। और यहाँ गोबर रख के ना मैं ये डालिया फूल जो होता है ना, उसका जड़ निकलने के लिए यहाँ रख दी हूँ। और ये भी पता नहीं किसी ने उखाड़ दिया था तो यहाँ पे लगा दी मैं। और ये सब अभी तो खाली है, बहुत सारा फ्लावर था पर अभी खाली हो गया। मैं पिक, मेरे पास फ़ोटो है, मैं दिखाऊंगी। ये भी है, इसका नाम नहीं पता, वाइट वाइट सा खिलता है। ये सब, ये भी एकदम छोटू हो गया है, इसमें तो जंगल भी आ गया है। तो यही है मेरा छोटा सा फ्लावर गार्डन। और ये जो डालिया है ना, ये इतना बड़ा हो गया है पर अभी तक एक बार भी नहीं खिला, छत में पहुंचने वाला है। ये खिला ही नहीं, मतलब इसको मैं जब लगाई थी ना तो अभी कितना, एक साल हो गया है पर खिलता ही नहीं, तो इसलिए ऐसे बांध के छोड़ दी हूँ। देखिए कितना लंबा हो गया है। तो यही है मेरा फ्लावर गार्डन, बस पहले बहुत सारा था और फूल भी बहुत सारा खिला हुआ था, तब तो अच्छा लगता अगर दिखाती। तो उस वक्त मैं अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोली थी, उस वक्त मैं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो फिर से हो जाएगा। अभी धूप मतलब मौसम थोड़ा ठीक रहेगा तो मैं ये सब साफ़ करूँगी, तो जब फिर से फूल बहुत ज़्यादा खिलने लगेगा, अच्छा दिखेगा, तो फिर मैं दिखाऊँगी, अभी तो अच्छा नहीं दिख रहा है, पूरा जंगल ही भर गया है। यहाँ बहुत जंगल हो गया था तो हम दोनों मिलके पूरा जंगल भी साफ कर लिए, क्योंकि अब धूप नहीं था और आज संडे भी था, फिर दिन को अलग दिन टाइम नहीं मिलता है और धूप भी बहुत होता है, तो शाम के समय सब साफ कर लिए। यहाँ पे जा रही हूँ नहाने, जंगल उंगल साफ कर लिया, तब नहा करके फ्रेश हो जाती हूँ। मैं नहा के भी आ गई और पूजा भी कर ली हूँ, और बहुत गर्मी है आज, अभी तो शाम हो गया है, तो अब वही चाय वाय बनाऊंगी मैं, और कोई आए हुए हैं तो उन लोगों से भी जा रही हूँ, अब मैं चाय बना रही हूँ। एक दो लोग आए हुए हैं, थोड़ा लाइट का कनेक्शन मतलब ठीक हो रहा है, इन्वर्टर का कनेक्शन लग रहा है तो दिखाऊंगी मैं। इन्वर्टर का कनेक्शन लग गया है तो सब लोग लगा कर चले गए, मैं वीडियो नहीं कर पाई तो मैं दिखाती हूँ जो लगा है वही बस अभी रखा हुआ है अभी, और सब ठीक मतलब मैं साफ़ वगैरह भी नहीं की हूँ अभी, बस दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए लग गया है, यहाँ बस रखा हुआ है, अभी ठीक करूँगी सब। मैं जा रही हूँ सोने, तो सबको गुड नाइट, और मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग में। और वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
बाय।